मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा शहर में महिलाओं ने महिला दिवस मनाते हुए महिलाओं के खिलाफ हो रहे जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और इस मुद्दे को लेकर एक रैली भी निकाली है। आपको बता दें कि ये रैली आवाज़ें निस्वा जो महिलाओं की तंजीम है और इस तंजीम को मुमरा शहर में रहनुमा लाइब्रेरी सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, जो महिलाओं के हक की आवाज़ उठाती है। ये रैली मुमरा पुलिस स्टेशन से दारुल फलाह मस्जिद तक निकाली गई थी और तमाम महिलाओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर हमने निकाले, हमारे जो भी आवाज़ी निशा में जितनी औरतें लड़कियां आते हैं हमारे वॉलंटियर है सबके साथ में, तो हम मुमरा स्टेशन मुमरा पुलिस चौकी से लेके और किस्मत कॉलोनी तक के जो भी अभी चल रहा है अलग अलग इशू ना, महंगाई के ऊपर है, अपने पढ़ने के अधिकारी और भेदभाव के ऊपर, ये सब इशू को लेके हम अपने जितने भी महिला औरतें हैं लड़कियां उनके साथ में हमने एक रैली निकाले और अच्छे से पुलिस ने भी हमें अच्छे से सपोर्ट किए और पब्लिक ने भी अच्छे से किया और हमारी रैली काफ़ी अच्छी रही। इस रैली में कितनी महिलाएं और कितने कम से कम 300-400 महिलाएं बच्चे थे, काफ़ी पार्टिसिपेशन अच्छा रहा और पब्लिक भी लोगों ने हम लोग को अच्छे सपोर्ट किए, पब्लिक ने भी हमें। ये मुमरा लाइब्रेरी काफ़ी जानने में है और लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। हाँ, मुमरा में ये लाइब्रेरी में काफ़ी हमारे रोज़ के 100-150 लड़कियाँ आती है, पढ़ाई करती, इंग्लिश है, कंप्यूटर है और फैमिली मैटर कौन डोमेस्टिक वायलेंस के केस भी आते हैं हमारे ऑफिस में और हम कोई पैसा नहीं लेते हैं किसी का भी और वो अपने आके पढ़ाई वगैरह कर सकती है। ये कितने साल से आपका हमारा 2003 से यहाँ पर काम कर रहे हैं। 2003 में ये लाइब्रेरी सेंटर का शुरुआत हुआ था क्योंकि मुमरा में हमने देखा था पहले से ही जब सर्वे किया था तो ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पर औरतें और लड़कियाँ आके अपना टाइम स्पेंड करें, जिसकी सोच के चलते हुए हमने ये लाइब्रेरी सेंटर का शुरुआत किया और इससे औरतों और लड़कियों को जोड़ते चले आ रहे हैं। अब तक का बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं ऑलरेडी और भी करने की बहुत कोशिश करते हैं कि और भी बदलाव क्या आ सकता है मुमरा में, औरतों और लड़कियों को लेकर लोगों की सोच क्यों नहीं बदल सकती है, इस सोच के साथ में हम यहाँ पर काम करते हुए आ रहे हैं। अभी तक हम मुमरा के अंदर कितनी लड़कियाँ और कितने बच्चे आपके जुड़े हुए हैं आपके साथ में? आप देख रहे हो रैली में जितने भी लोग थे वो सब हमसे जुड़े हुए ही हैं। इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट हैं, बहुत सारी ड्रॉपआउट्स गर्ल्स हैं, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो अपना मसला लेकर संस्था में आई थी क्योंकि वो संस्था में काउंसलिंग सेंटर भी चलता है, हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग भी चलती है, तो इस तरह से सारी औरतें जुड़ी हुई है और जो लड़कियाँ आती हैं उनके पेरेंट्स भी हमसे जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली बच्चे ही जुड़ रहे हैं या लड़कियाँ ही जुड़ रही, उनके पेरेंट्स जो है वो भी जुड़ते हैं और जो आपने रैली में अगर देखे होंगे तो कुछ बॉयज़ भी जुड़े थे जो हमारी सोच के साथ में सहमति रखते हैं और हमको सपोर्ट करते हैं, तो वो भी रैली के साथ में आपको दिखेंगे। ये रैली हर साल निकाली जाती है कि इस साल लोगों को अवेयरनेस करते हैं? हर साल हम अलग अलग टाइप के प्रोग्राम करते हैं, इस बार हमने रैली का सोचा और ये रैली एक थीम रैली के साथ में इसीलिए रखा ताकि थीम रैली रहेगी तो लोगों को और अच्छे से हम अपनी बातें समझा सकते हैं, कुछ लोग अलग दिखते हैं जब भी नज़र में भी आते हैं। और थोड़ा सा ये भी बात है कि 8 मार्च को सभी बॉम्बे की सारी संस्थाएं हैं, महिला संस्थाएं इकट्ठा आके रैली करती हैं तो और बाकी फिर बाकी दिनों में सब लोग अपने अपने प्रोग्राम खुद करते हैं, तो इस बार हमने सोचा था कि हम किसी रूम में या हॉल में चार दीवारी में नहीं करेंगे, हम भी वो रास्ते पे अपने हक की बात करेंगे, तो हम जो रिक्लेम करते हैं पब्लिक प्लेस के लिए उसके लिए हमने ये रैली निकाली, इस बार हमने ये सोचा था। हम तो चाहेंगे कि अपने हकों के लिए लोग रास्ते पे भी आएं और अपने हक के लिए लड़ें और ख़ासकर औरतें जो घरों में रहती हैं और बहुत सारी हिंसा सहती है, फिर शायद अब घरेलू हिंसा हो या किसी भी तरह की हिंसा, उसके खिलाफ हर किसी ने बात करनी चाहिए और वो अपने हक की बात करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और हम सही हैं तो हमको डरना कभी नहीं चाहिए और निडर होके अपनी बात रखनी चाहिए चाहे सामने जो भी हो, अगर हम सच कह रहे हैं तो हमको सच का ही साथ देना चाहिए, झूठ के साथ खड़े नहीं होना चाहिए। मैम कितनी महिलाएं हैं जो बोल नहीं पाती हैं इसके अंदर, जो ये काउंसलिंग के अंदर जो बात नहीं कर पाती है, तो उनके साथ में आप किस तरीके से गाइड करेंगी? काफ़ी उनके साथ काउंसलिंग करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आएंगी तो वो हमसे बात करेगी, आस्ते आस्ते वो हम जब उनके साथ काउंसलिंग करते हैं तो आस्ते आस्ते वो हमारे साथ जुड़ती भी है और अपने बातें भी रखती है और कई आज महिला है जो अपने पैर पे भी खड़ी है, तो हमें ऐसे ही बहुत खुशी होती है। जो वो काउंसलिंग करने के बाद होते हैं इतना जल्दी नहीं होता, कभी समय लगता है उनको खुद को एम्पावर बनाने के लिए।